सरकार की योजना गांव-गांव तक पहुंचे, इसी के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज दूसरे दिन सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत सह प्रखंड पंचायत पदाधिकारी बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित थे। क्या पूरा प्रशिक्षण है, इससे क्या आम जनों को फायदा होगा, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये क्या प्रशिक्षण है और यहाँ क्या प्रशिक्षण आप लोगों को मिल रहा है? हमें जो पंचायत समिति के कार्य है, जो भी इसमें अनुशासन जो भी होता है, उससे रिलेटेड हमें बताया जा रहा है। अच्छा, बताइए कि जो नियम है उसके लिए आपको कोई किताब वगैरह, कोई नियम या कुछ जानकारी आपके पास है या विभाग द्वारा आपको कभी मिलता है? किताब तो नहीं मिला है, लेकिन अभी तक मतलब जो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से हमें हर चीज़ को समझा रहे हैं और हर डिटेल बता रहे हैं कि इस तरह से ये कार्य होता है, ये नियम होता है। आपको क्या बताया गया कुछ अभी तक, आपने क्या अनुभव प्राप्त किया है यहाँ? अभी तक बताया गया है, कल अभी बता रहे थे सर कि ग्राम पंचायत होता है, उसमें GPDP बनता है, BPDP होता है जो पंचायत समिति के लिए होता है, ब्लॉक स्तर पे होता है और जिला स्तर के पे होता है DPDP। ठीक है, तो उसमें बताया है कि मतलब कैसे कैसे कौन सा मतलब रूल रेगुलेशन के चलते के अनुसार चलते हुए हमें कौन कौन से कार्य करना है। जो आपके बताइए। प्रिया सिंह, शीशो पश्चिमी पंचायत, क्षेत्र संख्या 3। ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनको कि पंचायत समिति कैसे संचालित हो, आप कैसे अपने प्लान जो हैं वो बनाएंगे और प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत राज अधिनियम के तहत जो है सो आम जनता को आप कैसे क्या व्यवस्थाएँ आप दे सकते हैं, कैसे आप उनकी सुविधाओं के बारे में आप प्लान बना सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देते हैं प्लान, प्लानिंग और उनका एग्जीक्यूशन, यही इस प्रशिक्षण का दायित्व है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं अपने आप को जनता के हितों की, जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो है खड़े उतर सकें। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विभाग का गाइडलाइन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है, जिस कारण सरकार की जो योजना है वो आम जन तक नहीं पहुँचता है। इसके लिए भी कोई गाइडलाइन या कुछ आप लोग इनको बता रहे हैं? प्रशिक्षण का उद्देश्य ही यही रहता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यों और दायित्वों के साथ साथ जो भी जनता के लाभ के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको विस्तृत बताएं ताकि किया जा रहा है उससे क्या फ़ायदा होगा जनप्रतिनिधि को। यहाँ इससे जनप्रतिनिधि को यह फायदा होगा कि वो अपने अधिकार के लिए और जो पंचायत का जो नियम है, जो कानून है या प्रखंड का, उसको ज़मीन पर उतारा जाए अपने पंचायत में ले जाके। जन जो आपके क्षेत्र के नागरिक हैं उन्हें भी सरकार की योजना की जानकारी हो और उन्हें प्रखंड का दौरा नहीं करना पड़े और पंचायत भवन या पंचायत स्तर से ही वो अपने समस्या का समाधान करें, इस पर आपका क्या कहना है? जी, इस पर हर एक पंचायत भवन में वार्ड सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर वो वार्ड सदस्य अपने वार्ड में जाके जनता को ये सब चीज़ बताएंगे और हम लोग भी अपने स्तर से मेहनत करके उनको जागरूक करेंगे।